नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सोना 24 एम एम राहुल सिंघानिया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के सामने आई है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 में दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स की जो है इंडियन पोस्ट ऑफिस में नौकरी लेना चाहते हैं, अब जो है उनका इंतजार की घड़ी अब जो है खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो है बहुत अच्छी जो है खुशखबरी निकल के सामने आई है। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये वैकेंसी होने वाली, जो कि दोस्तों पोस्टमैन MTS के अलावा दोस्तों अलग अलग पदों पर जो है ये वैकेंसी होने वाली है। हम आपको दोस्तों इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी जो नॉलेजेबल होने वाली है। इससे पहले फ्रेंड्स बताना चाहूँगा कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा YouTube चैनल सोना 24M को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जॉब की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, तो आइए बिना समय गवाए हैं फ्रेंड्स इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2023 की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम आपको बता देते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो है अगर पदों की बात करें फ्रेंड्स, 1899 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो है स्टार्ट डेट जो है फ्रेंड्स जो है 10 नवंबर 2023 से दोस्तों ये जो है अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट आप जो है 9 दिसंबर 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। काफ़ी एक यूनिक मौका है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जॉब कैटेगरी जो है वो सरकारी नौकरी रहने वाली है। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की जो है आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो आप वहाँ से भी जाकर के जो है विजिट कर सकते हैं, और कब से जो है इनकी फॉर्म अप्लाई हो रही है सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। आगे हम आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है अलग अलग पदों पर जो वैकेंसी होने वाली दोस्तों, ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए कि कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली है। पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट पर वैकेंसी होने वाली दोस्तों, और सॉर्टिंग असिस्टेंट का पदों पर वैकेंसी होने वाली है, पोस्टमैन की है, मेल गार्ड है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पदों पर वैकेंसी होने वाली। फ्रेंड्स, टोटल अगर पदों की बात करें तो 1899 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। आगे हम आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स की एज लिमिट के बारे में, तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि जनरल और अदर के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाले हैं। इसमें पेमेंट मोड आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की एज लिमिट जो इसमें रखा गया है इंडियन पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट में। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स रखा गया, और मैक्सिमम एज जो है 27 ईयर्स रखा गया है। फ्रेंड्स, एज में जो है आपको छूट गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार से आपको जो है मिलने वाली है। काफ़ी एक यूनिक मौका है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।